ओ तेरी भाई, अभी तो टिकट मिलेगी। तो भाई हमारा ट्रेलर अभी मिल नहीं रहा है। मिल गया भाई, शुक्र है भगवान का, हमारा ट्रेलर मिल गया। तो ये है हमारा भाई आज का ट्रेलर, 53V25। बैग में मौसम इतना बढ़िया है ना, मतलब इतनी अच्छी धूप लगी हुई ना, आज बहुत अच्छी धूप लगी हुई है, आज ठंड भी नहीं है, -2 है टेम्परेचर, जो आज का टेम्परेचर है ना -2 है। पहले तो मेरा दिल कर रहा था यार छोड़ो कल जाएंगे, पर बाद में मैंने सोचा नहीं भाई जाना तो पड़ेगा यार, ये काम ही ऐसा ट्रैकिंग का, मजबूरी जो होती है ना आपको छुट्टी करने नहीं देती है। ये जो टिम है ना, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना ढाबे होते हैं ना ढाबे, तो ये ड्राइवरों के लिए ढाबा है, तो लाइक बोल सकते हैं कि ड्राइवरों के लिए चाय वाला ढाबा है। तो भाई मैं अभी अभी ना मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है आज, तो मतलब पंगा नहीं बोल सकते इसे, मेरे पास ना पोटाशियम है, जो मेरे पास लोड है ना वो पोटाशियम का है। तो भाई मुझे बॉर्डर वाले बोले कि स्कैनर में जाओ, मैं अभी डर गया, पता नहीं मैंने बोला क्या बात है ना, तो बाद में मैंने भाई अपने डिस्पैच को कॉल की, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मतलब उन्होंने पूछा कि क्या हॉलिंग कर रहे हो, राइट, मैंने बोला पोटाशियम है, तो उन्होंने मुझे बोला नो प्रॉब्लम, उन्होंने आके ट्रक मेरा बाहर ही था स्कैनर के, स्कैनर से ना मेरा जो होता है ना स्कैनर वाला जो मतलब रूम बना होता है जिसमें ट्रक लेके जाते हैं, तो उससे बाहर उसके बाहर ना मेरा ट्रक खड़ा था, और उन्होंने ना मशीन से चेक किया, पता नहीं क्या चेक किया मैंने पूछा नहीं, राइट, तो बाद में उन्होंने मुझे बोला अंदर आ जाओ, अंदर आके मैंने अपना ट्रक बंद किया और मुझे बोला कि वेटिंग रूम में, मतलब जो अपना ना उन्होंने बोला कि वेटिंग एरिया में वेट करो, तो हम आपको बोलेंगे कि देन यू गुड टू गो, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या लेके जा रहे हैं, मैंने बोला पोटाशियम और ट्रक के अंदर क्या है, मैंने बोला मेरे कैमरास हैं क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो उन्होंने बोला कोई फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स हैं आपके पास, मैंने बोला मेरे पास फ्रूट्स हैं ग्रेप्स हैं, तो दैट्स ऑल, तो पता नहीं बाद में मैं वेटिंग एरिया में चला गया, तो बाद में उन्होंने बोला यू आर गुड टू गो सर, मैंने बोला थैंक यू सर। तो अभी भाई अभी स्कैनर से आया हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था स्कैनर से गुजरने का, तो पता नहीं चलो वो क्योंकि पोटाशियम की वजह से उन्होंने स्कैन किया ट्रक को, लेकिन नो प्रॉब्लम,
जो भी था अच्छा था, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है स्कैनर से गुजरने का। तो भाई लोग यहाँ से फ्यूल फिल करा के देखते हैं अगर फिल हो गया तो, क्योंकि जिधर से पहले हमने फिल कराना था ना, वो तो जो हमारे पास कार्ड है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिल हो गया है, 140 गेलन पड़ा है, एक गेलन में 4 लीटर होता है और $550 का पड़ा है, तो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का आप लगा लीजिए 35-36 हज़ार का पड़ गया तेल। देखिए ये क्या सीन है यार, भाई ऊपर देखो यार क्या बना पड़ा है उधर। भाई अभी सुबह के 5:15 हो गए, मैं अभी पहुंचा हूँ लोकेशन पे और वो बोले 8 बजे ओपन होगी, तो मैंने बोला नो प्रॉब्लम है, क्यों अभी मैं स्लीप डालूंगा यहीं पे, स्लीप पूरी करके आगे पिकअप के लिए जाऊंगा। तो अभी रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, फिर सोएंगे और सुबह उठेंगे 8 बजे। तो भाई अभी मैं अपनी स्लीप यहाँ पे ट्रक लगा के पूरी करूंगा, डॉक पे हमने लगा दिया है और ये लोकेशन है घरों के बीच है, ये लोकेशन है ना जो। भाई बताओ मेरी टोपी कैसे लग रही है, नए स्टाइल की टोपी लेके आए हैं यार, हवा बहुत चल रही है, बारिश भी पड़ रही थी रात, और ये ना ये कान कवर कर देती है ऐसे, मतलब मुझे बढ़िया लगी थी तो इसलिए मैं लेके आया ऐसे यार। अभी देखिए मेरी यह बुक है ना वो स्लीप में डली हुई, यहाँ देखिए स्लीपर बर्थ, तो अभी मेरी बुक स्लीप में है, मेरी बुक स्लीप में है, लेकिन मैं अभी भाई स्लीप में नहीं हूँ, आपके सामने मैं जाग रहा हूँ, क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि डिलीवरी करनी थी, बुक मेरी स्लीप में है, स्लीप में मैंने अभी डिलीवरी करनी क्योंकि साथ में ही था, बस थोड़ा डॉक पे लगाना था। तो भाई इसलिए ना मतलब मैं आपको बताऊं, पूरा नहीं सोता कभी भी जो ट्रक ड्राइवर है ना, पूरा नहीं सोता। ये भाई शिकागो है देख लो आप, क्या बात है यार, दिल खुश होता है भाई देख के, दिल खुश होता है, दिल बोलता है वाह क्या बात है। ये जो ट्रक जा रहा है ना मेरे साथ लेफ्ट लेन में रेड वाला भाई, ये देखो कितना बड़ा है यार, तो इस पे गाड़ियां रख के लेके आते हैं भाई। तो भाई हमने ये पेपर दिए थे, हमने बीच में लगा दिए, तो भाई जितना हमारा सामान था ना इस ट्रक में, तो भाई अभी हमने वो अपना बैगों में डाल लिया है, कि इस ट्रक में ना आज मेरा लास्ट ट्रिप है। अमेरिका में ना ट्रैकिंग करनी बहुत इजी है, मतलब इजी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे ना खुद का ट्रक ले सकते हो, मतलब कि खुद का ट्रक लेने का मतलब आप ओनर ऑपरेटर बन सकते हो, क्योंकि अमेरिका में ट्रक बहुत मतलब सस्ते भी बोल सकते हैं, जैसे कंपेयर करें कनाडा में तो बहुत एक्सपेंसिव है, और जो पार्ट है ना जो ट्रक के वहाँ यहाँ यूएसए में सस्ते हैं। मेरे को एक भाई मिला था कैलगरी, तो वो बता रहा था कि उसके पास खुद का पीटरबिल्ट था, वो ओनर ऑपरेटर था कैलगरी में कनाडा में, तो मैंने उसको पूछा तो, और वो बोले कि अमेरिका में ट्रैकिंग इजी है,
और जहाँ पार्ट भी इजीली मतलब आपको ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव रेट पे मिलेंगे, बहुत सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। तो अमेरिका में 99% बोल सकते हैं कि लोगों का खुद का ट्रक है, वो किसी कंपनी के अंडर काम नहीं करते हैं। और व्यू चेक करो यार, क्या बात है यार, सारे दरख्त स्नो से भरे पड़े हैं। क्या बात है यार, मैंने आपको बोला था ना कि जैसे जैसे हम विनिपेग की तरफ बढ़ते जाएंगे मौसम खराब होता जाएगा और हमें स्नो भी मिलेगी, और ये देखिए स्नो मिल रही है हमें अभी। ये जो फ्लैट बनने वाला हमारे सामने जा रहा है ना भाई, ये भाई स्नो का लोड लेके जा रहा है यार, देखो आप, ये भाई के पास बहुत भारी लोड है स्नो का, देखो यार। भाई बुरा मत मानना यार, मजाक कर रहा हूँ, कोई भी भाई वीडियो देखेगा ना बुरा मत मानना यार, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, और भाई हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मौसम ही बदल गया। अभी हम ना यार्ड में आ गए हैं, ट्रक हमने खड़ा कर दिया, तो अभी भाई हम रखने लगे हैं अपना सामान। ओके भाई, तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो में। तो भाई अभी घर पहुंचा हूँ, बहुत भूख लगी थी यार, अभी रोटी गर्म कर रहे हैं। तो आज का हमारा ब्लॉग है जी यहीं पर ख़त्म होता है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, सत श्री अकाल जी।